आपका पहला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने का कठोर कारावास कब दिया गया? आपके ऑप्शन है ए 1897 में, बी 1882 में, सी 1908 में, डी 1915 में। आपका आंसर है ए 1897 में। आपका दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 फरवरी को, बी 28 फरवरी को, सी 8 मार्च को, डी 22 मार्च को। आपका आंसर है सी 8 मार्च को। आपका तीसरा सवाल है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है ए रबर की, बी चाय की, सी कॉफी की, डी इलायची की। आपका आंसर है सी कॉफी की। आपका चौथा सवाल है, निम्न में से सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सेव में, बी दूध में, सी केला में, डी हरी सब्जी में। आपका आंसर है डी हरी सब्जी में। आपका पांचवा सवाल है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए व्यास नदी, बी सिंधु नदी, सी झेलम नदी, डी सतलुज नदी। आपका आंसर है बी सिंधु नदी। आपका छठा सवाल है, भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ, बी हस्तिनापुर, सी कुशीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है सी कुशीनगर। आपका सातवां सवाल है, भारत में सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी हरियाणा में, सी छत्तीसगढ़ में, डी राजस्थान में। आपका आंसर है बी हरियाणा में। आपका आठवां सवाल है, निम्न में से पीला सेव किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चीन में, बी भारत में, सी भूटान में, डी नेपाल में। आपका आंसर है ए चीन में। आपका नौवां सवाल है, अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए इनकार करना, बी खुशामद करना, सी तिरस्कार करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है बी खुशामद करना। आपका दसवां सवाल है, बाबर को उनकी इच्छा अनुसार कहां पर दफनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी पेशावर में, सी आगरा में, डी काबुल में। आपका आंसर है डी काबुल में। आपका ग्यारहवां सवाल है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए मैसूर, बी हुबली, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। आप सभी लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।